इस अंगूर का नाम है कैबरनेट। और हमने जूस निकालने का पूरा सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि ये जो मेरा फ्रेंड लगाया हुआ है पूरा डाल के जैसा हम निकाल रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, अब एक्टिव हो गया अपना ईस्ट। ये सेकंड फर्मेंटेशन होने की वजह से उसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, ये सारा मिलाना जरूरी है। ये लेवल हट चुका है अभी, इसमें से एक बबल बनेगा, जो बबल आएगा आप देख सकते हैं इसका जो लेवल अभी बढ़ रहा है, यानी कि सेकंड जो फर्मेंटेशन है ये भी अपना हुआ है सक्सेस। मेरी वाइन बनाने की हॉबी को अंजाम दिया है। मैं नितिन जी की ये वाइन टेस्ट करने पहले भी दो तीन बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने जो वाइन बनाई है वो कैबरनेट जो अंगूर रहते हैं उससे बनाई है, लेकिन इस बार 50 ml ने ही काम कर दिया है। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अभी जो अंगूर लेने के लिए आया था, इस जाति का नाम है कैबरनेट करके, और मैं ये सारा मटेरियल लेके जा रहा हूँ जो मैंने 7 बॉक्स में डाला है। और जो हम लेने के लिए आए थे, ये बागान ऐसी है अंदर से कि इससे बहुत अच्छी तरीके से वाइन बनाई जा सकती है। आप देख सकते हैं ये इसका अंगूर का खेती से डायरेक्ट हमने हमारा माल अभी उठाया है। ये जो साहब है ये इनका बागान है, जो मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया था, उनके पास ये वैरायटी की जो कैबरनेट वैरायटी होती है स्पेशली वाइन के लिए, उसका हम R&D करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और दूसरा भी एक है कि हमने ब्रिक्स मीटर भी लाया था, तो इसका ब्रिक्स जो आया है वो कम से कम 21 ब्रिक्स हमें अभी मिला है। जो मीटर मैं लेके आया था, ब्रिक्स मीटर भी मैं लेके आया था, इसका भी हम जब ये अंगूर लेके जाएंगे और एजिंग करेंगे उस समय मैं आपको दिखाता हूँ कि यूज़ कैसे किया जा सकता है। एक बॉक्स का जो वज़न आ रहा है वो आ रहा है 8-200, इसका जो फुल वज़न बैठा है वो बैठा है 60 kg। इस अंगूर का नाम है कैबरनेट, कैबरनेट जाति की अंगूर है, इससे हम बनाएंगे अभी वाइन। और अगर ब्रिक्स मीटर का आपको ख़रीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, इससे आप परचेस कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है अगर आपको वाइन बनानी है तो। फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे औषध वगैरह जो पेस्टिसाइड लगाते हैं, तो इसको नमक के पानी से हमें इसको धोना है, नमक थोड़ा सा ही डालें। और जो हमने गर्म पानी लिया है, सिर्फ हमें इसका उपयोग इतना ही है कि अंगूर के ऊपर का जो लेयर है इसमें अगर थोड़े बहुत भी पेस्टिसाइड होंगे तो हमारा जो मिश्रण बनने वाला है इसका गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए सिर्फ हम उसमें धो के ऐसा सिर्फ ये करके जिसमें हमने वॉश किया था, ये शायद नमक का पानी एकदम ख़राब हो चुका है अभी, और हमें ये अभी बीच में ही पानी बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर ये पानी नहीं बदला है तो हो सकता है कि इसमें से जो विषैले तत्व है ये थोड़ा सा रिपीट होंगे। और ये अंगूर थी हमने सारा धो के एजिंग के लिए रखी है, इसका कल हम बनाएंगे गूदा और डालेंगे अपनी वाइन के लिए। एक्चुअल में नमक के पानी में धोने से ये होता है कि जो पेस्टिसाइड उस पर लगे होते हैं ये पेस्टिसाइड निकल आते हैं, क्योंकि हमें बनानी है एकदम हाई क्वालिटी वाइन। और हमने जूस निकालने का पूरा सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि
ये जो मेरा फ्रेंड लगाया हुआ है ये इसमें पूरा डाल के जैसा हम निकाल रहे हैं अंगूर को, और अंगूर पूरा निकाल के ये इसमें जूसर में घुमा रहा है। लेकिन जूसर का अड़चन ये आ रहा है कि जूसर बीच बीच में अटक रहा है। हमने अभी तक इतना ही सिरप निकाला है, इतने में हमने दो बार हमारा जूसर खोला था कि थोड़ा सा इस स्टेज पे आपको हार्ड वर्किंग ज़्यादा करना है, क्योंकि जो अंगूर हमने एजिंग पे लगाए थे, एजिंग के कारण जिसमें थोड़ा सा सूखा हुआ जो ये रहता है अंगूर का एक मणि बोलते हैं उसको, और वो इसमें अटक रहा है। ये मैं आपको जो ब्रिक्स मीटर में बोला था कि आपको दिखाऊंगा और उसका यूज़ कैसे है ये भी आपको बताऊंगा। ये मैंने दो चार अंगूर लिए हैं, और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो नीला पट्टी है वहाँ पे उसको सारा ये करना है, जैसे उस पर जूसी लगाना है। आप ब्रिक्स मीटर है इससे देखा था, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था, तो आप इसमें देख भी सकते हैं शायद आपको अगर दिखेगा तो, क्योंकि इसमें जो फाइट है आप देख सकते हैं। ये जो ब्रिक्स मीटर का है ये जो 15.5-16 दिख रहा है ना, इसको कहाँ जाता है पूरा फाइट। एक्चुअल में मेरा पूरा जीरो नहीं है, आप देख सकते हैं नीचे से, एक्चुअल में नीचे के जीरो के बाद भी दिखाना चाहिए नीला, लेकिन मेरा उतना कैलिब्रेट नहीं होने के कारण मैं आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ब्रिक्स मीटर से आप कैसे अपने अंगूर का जो शक्कर का लेवल है या शुगर लेवल है कैसे जान सकते हैं। जूस निकाला है, ये लगभग हो सकता है कि 20 लीटर हो, और इतना सारा हाथ से नोच नोच के सारा निकाला है, और जो गुदा हमारा निकला है आधी टंकी है। एक्चुअल में हमारा जो फ्रेंड मदद करने के लिए आया था उसके भी ताकत से बाहर हो गया है एक्चुअल में, क्योंकि ये जो घुमाने वाला जो काम है ना थोड़ा आड़ा टेढ़ा है। ऐसे बन रही है हमारी कैबरनेट की वाइन, 20-20 लीटर का दो कैन निकाला है। अभी हमारा अंगूर बचा है आप देख सकते हैं, और हमने अभी जूस निकल के जितना भी गूदा था ये गूदा पूरा 20 लीटर इसमें 20 लीटर इसमें डाला है, और जो गूदा था जो सारा वेस्टेज मटेरियल था वो भी उसमें भर दिया है, और हमने इतना सारा मटेरियल अभी लिया है। हमें ज़्यादा बूस्टअप नहीं करनी है अभी, नहीं तो क्या होगा कि अगर शक्कर ज़्यादा मिलाई गई इसमें तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए 2 kg शक्कर मैंने ली है, तो 1 kg 1 kg इसमें आधा करूँगा, और ये गेहूँ लिया है गेहूँ को भी आधा आधा करूँगा, और ये ईस्ट की डिब्बिया है उसको भी एक एक करके डालूँगा, और ये दालचीनी एक एक पैकेट डालूँगा, और जो अपना लौंग होता है लौंग ये आधी आधी करके उसमें डालने वाला हूँ। हमें चाहिए गर्म पानी, तो गर्म पानी इतना मैंने क्यों लिया है कि एक्चुअल में थोड़ा बहुत ईस्ट के लिए ही लगेगा। ईस्ट की जो डब्बियाँ हैं ये वाली एक डब्बी 1 लीटर एकदम थोड़ा गुनगुना पानी होता है उसमें डालने वाले हम अभी, और इस बर्तन में आधा आधा लीटर अंदाजे से लिया है क्योंकि ये डिब्बिया उसमें डालनी है मेरे को। और हमने जो ईस्ट था उसको गर्म पानी में गुनगुना पानी में अभी एक्टिव कर दिया है। ये एक्टिव हुआ या नहीं हुआ ये देखने के लिए आप देख सकते हैं इसमें, ये देख रहे हैं ना अब एक्टिव हो गया अपना ईस्ट। और हमें इसी बीच में ये जो शक्कर है शक्कर को गर्म पानी में ये करना है, 1 kg 1 kg हमें पूरा उबाल के उसमें डालना है। देख सकते हैं हमारा जो ईस्ट एक्टिव हुआ था ऑटोमेटिकली फूल रहा है। हमने लिया है 2 गेहूं के बर्तन, और इसको हम थोड़ा सा मिक्सर में घुमा के इसमें डालेंगे। हमें इसमें गेहूँ डालना है, जो हमने सारे मसाले लिए थे जो दालचीनी और लौंग उसको हम इसमें डालेंगे। ईस्ट का लेवल क्या आया है ये पूरा एक जो डब्बा है उसमें पूरा हम भर देंगे। अभी इसमें हमें डालना है ईस्ट का, ईस्ट डालने पे इतना गर्म होगा, जबरदस्त गर्म होगा,
अभी ईस्ट हमने एक तो डाल दिया है इसमें, जो मसाला गेहूँ ईस्ट सारा बैच वाइज डाल दिया है अंदाजे से, और अंदाजे से इसमें दो दो ग्लास पानी डालते जा रहे हैं। ये जो बचा हुआ पानी भी हमें उसमें डालना है, हमने उसको हिला के एक जीव किया है। हमने जो बलून लाए हैं ये दो बलून उसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि मेरे पास एयर फैन प्लग अभी नहीं है, इसलिए मैं ये जुगाड़ कर रहा हूँ। इसमें बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाए और ज़्यादा डीप्रेशराइज न हो, क्योंकि ये दो या तीन दिन के लिए मेरे को बलून के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अंदाजे से देख सकते हैं कि गुदा और जो है इसमें वाटर ज़रा ज़्यादा चाहिए हमें। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको इस मिश्रण को जो 21 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखना है, इसको धूप अंधेरे में एकदम गुप अंधेरे में रखना है। यहाँ से जो सनलाइट आती है, एक्चुअल में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मेरे खिड़की के साथ, इसलिए मैंने वो पूरा पैक कर दिया है। एक्चुअल में गुब्बारे को अपन को हर रोज आके देखना पड़ेगा। सिर्फ एक घंटे में इतना हवा उसमें भर चुका है, 21 दिन हो गए हैं। 21 दिन का ये हाल है, पूरा ड्रम जो है ठंडा हो गया है। ये 4-5 दिन के बाद उसका फर्मेंटेशन पूरा होगा, तो हम सेकंड फर्मेंटेशन के लिए उसको लेने वाले हैं। और जो हमने 10 अप्रैल को जो बैच डाला था, इसका निकालने का आज लास्ट टाइम आ गया है, क्योंकि 21 दिन उसके पूरे हो गए हैं। 21 दिन मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है। अगर आप कोई इसका वाइन का जो फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन का पॉट नहीं था, इसलिए हमने इस 40 लीटर के कैन में हमारा फर्मेंटेशन डाला था। इसके बाद इसको सारा निकाल बाहर करके ये गूदा हमने निकाला है, और इस गूदे को छान छान के हाथ से ऐसा ऐसा वाला बना के इसमें से पूरा जूस निचोड़ रहे हैं। और हमारा जो 70 लीटर का जूस है ये आधे से भी ज़्यादा आ गया है अभी। इसके बाद देखते हैं कि पूरा जूस इसको हम डालने वाले हैं सेकंड फर्मेंटेशन को। ये हमको सेकंड फर्मेंटेशन के लिए डालने से पहले ये मैं फ्यूकॉल से जो हमने होल बनाया है, जो ईयर लॉक है, ईयर लॉक को अच्छी तरीके से बिठाना है हमें। थोड़ा सा ये लगाएंगे फ्यूकॉल, और फ्यूकॉल से ये कर देंगे ईयर लॉक। ये R&D करने वाले आप पहले देख सकते हैं, जूस फर्मेंट के लिए रेडी है। सेकंड फर्मेंटेशन के लिए हमने लिया है 1 kg गुड़ पाउडर, दालचीनी एक्स्ट्रा हो गई है, और वे सोप, इतना सारा इसमें डालने वाले हैं। और जो हमने ईस्ट डाला था पहले, तो थोड़ा सा ईस्ट डाल के फर्मेंटेशन के लिए 1 gram/L के हिसाब से ये करने वाले ईस्ट उसमें डालने वाले। गुनगुना जूस में ये डालने से उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। जो हमने इसका बैच नंबर 1 बनाया था उसमें हमने रिचार्ज करके ये डाला था, लेकिन मैंने थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी उसमें डाला है। ये सारा मिलाना जरूरी है। थोड़ा सा जूस को गाढ़ापन ये करने के लिए, विस्कोसिटी इसकी मिनिमम करने के लिए गर्म पानी लिया है। गर्म पानी उसमें हम डाल, और इस तरह हमने सारा बना के सेकंड जो फर्मेंटेशन होगा इसके लिए एक पूरा लॉक लगाएंगे इसका, इसको करेंगे एयर टाइट के लिए। ये सुविधा होती है, ये आपको लगाना है। उसको अभी 8 दिन के लिए हमें रखना है। उससे पहले इसमें डालना पड़ेगा वाटर, क्योंकि हमने इसमें जो ईस्ट डाला है इससे
यीस्ट खाएगा शुगर को और शुगर से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाहर। फर्मेंटेशन स्टार्ट है, फर्मेंटेशन चालू है, फर्मेंटेशन स्लो है, फर्मेंटेशन हाई है, ये अगर जानना है तो इसमें डालना पड़ेगा हमें थोड़ा सा पानी। आप देख सकते हैं इसका बबल, देख सकते हैं सेकंड फर्मेंटेशन अपना जो है वो स्टार्ट हो चुका है पहली 10 मिनट में। जब आप वाइन निकालते हैं तो इसका जो थोड़ा सा ये होता है गंदा पार्ट नीचे आ जाता है, तो ऊपर ऊपर का जो वाइन है बगर हिला के मेरे को निकालना है। अभी जो सेकंड फर्मेंटेशन क्लियर हुआ है इसके लिए मैंने 51 बॉटल को रेडी रखा है, जो मेरे को जो ढक्कन है उसका बिठाने के लिए अभी एक या दो दिन के बाद मैं वो सारा झंझट करने वाला हूँ जो बॉटलिंग बोला जाता है उसको, क्योंकि हर एक बॉटल को हमने गर्म पानी से धोया है। और इस स्टील बाउल में मैं उसको खाली करूँगा, और उसके लिए जो मैंने लिया है इस टाइप से आपको ये मिलेगा ऑनलाइन पे, इस टाइप से है, क्योंकि उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटी आती है तो उसको हमें बाहर करना है। देख सकते हैं किस टाइप से आ रहा है, यहाँ से इम्प्योरिटी है यानी ज़्यादा डार्कनेस है यहाँ से, तो हम एकदम स्लो उसको निकाल रहे हैं। और मेरे को जितना आइडिया है इस ग्रेविटी मीटर से आप उसको देख सकते हैं, इसको जूम करने से थोड़ा गड़बड़ होगा। हाँ, इस पे जो ग्रीन पे दिखा रहा है ना 20, यानी कि हमारा जो किंग फिशर का बियर भी होता है ये यहाँ तक होता है। तो हम इसको डाल के अभी देखेंगे, मैंने जो पहली वाइन बनाई थी उसका 11 आया था। आप देखो जो ऊपर का ग्रीन है, ऊपर का ग्रीन का पूरा व्हाइट बाहर निकला हुआ आपको दिखेगा, ये देखो आप देख सकते हैं ग्रीन से नॉर्मली ऊपर। हमने रिफाइन करनी है मेरे को वाइन, इसके लिए मैंने लाया है बेंटोडाइन। ये बेंटोडाइन क्या है कि एक्चुअल में मुल्तानी माटी जो होता है उसको कहा जाता है बेंटोडाइन, जो हमने लिया हुआ है बेंटोडाइन अंडा जैसे डालना है। एक्चुअल में उसका जो विधि बस है पता है कि 20 लीटर के लिए एक स्पून लगता है, तो अंदर से हम डालेंगे क्योंकि हमारे पास 50 लीटर समथिंग है, हमें कोई उससे ज़्यादा ये नहीं है, थोड़ा भी रिफाइन हो गया तो ठीक है। ये सारा मिक्सचर हम इसमें डालने वाले हैं अभी, क्योंकि हमें ये रिफाइन करना है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा क्यों डाल रहा हूँ क्योंकि हमें उसको हिलाना भी है पूरा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। ये हमने जो 5-6 साल से मैं अभी बना रहा हूँ इसमें फर्स्ट टाइम ये मैंने डाला हुआ, और उसको हमें रखना है दो दिन के लिए, तो एक या दो दिन के बाद ये पूरा रिफाइन हो जाएगा, क्लियर वाइन का हम बॉटल भरेंगे। जो मैंने फर्स्ट वाइन बनाया था जो कैबरनेट का, इसके माध्यम से ये पूरा छान के हम इसमें से निकाल के बॉटलिंग के लिए मैंने बहुत सारी बॉटल इकट्ठा की है। मैग्नेटाइज होता है यहाँ पे लगाया जाता है ढक्कन, और ढक्कन के पीछे आपको ये करना है बॉटल को, इस टाइप से होती है बॉटल। इस तरह मैंने मेरी वाइन बनाने की हॉबी को अंजाम दिया है, जो मैंने अंगूर कैबरनेट अंगूर जो लाया था उससे कम से कम एक महीना खर्च करके पूरा R&D करके एकदम नंबर वन वाइन में इसका ABV लेवल है 21%, यानी कि बियर से दुगना या ढाई गुना ज़्यादा। आप ये बनाना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो देख के
जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो इस वीडियो में पूरी है। इस तरह मैंने मेरा वाइन बनाने का जो सपना था ये 8 साल के बाद R&D करके मैंने पूरा किया है। मेरी पूरी अगली 2 साल के लिए वाइन बना के रखी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जो मैंने वाइन बनाने की 6 साल से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत का ही नतीजा आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप उसका जो वाइन बनाने का कोशिश किया हूँ वो आपको मैं दिखाऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। लेकिन इस बार शुगर यूज़ नहीं किया है और मैंने बेंटोडाइन का यूज़ किया है मेरी वाइन रिफाइन करने को। मैंने बागानों से लेके इस स्टेज तक उस वाइन बनाने को स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया है। और इस तरह हम कर रहे हैं मेरी वाइन को टेस्ट। और अभी मैंने जिनको इनवाइट किया था उनका अनुभव भी सुनेंगे इस वाइन के सिलसिले में। मैं नितिन जी की ये वाइन टेस्ट करने पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने जो वाइन बनाई है वो कैबरनेट जो अंगूर रहते हैं उससे बनाई है। पहले मुझे पसंद आई इस वाइन की जो चीज़ है वो है उसका स्मेल, सेकंडली उसका सबटल कलर, जो कलर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, और तीसरी जो है ये वाइन की टेस्ट जिसका फर्स्ट नोट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू नितिन जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर टेस्टिंग दिस। बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली चीज़ ये है कि इसका जो ABV लेवल है वो 21 है और वो बहुत ही अच्छा है। जो सिराज की है वो भी टेस्ट की है, VH की रोज़ भी टेस्ट की है, लेकिन ये नितिन जी ने जो वाइन बनाई है उसका जो टेस्ट है इट्स स्टिंग लिंगरिंग ऑन माय टेस्ट बड्स। अभी भी हमारा टेस्टिंग चल रहा है, उनसे अभी भी कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानेंगे। पहले उसका कलर आपके आंखों में पहली भर जाता है, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पहले अच्छा लगा वो उसका कलर, सेकंड इज उसकी टेस्ट। ये कलर का मैजिक नितिन जी ने जो चीज़ से बनाया वो चीज़ है ये बेंटोनाइट, एक नया प्रयोग किया है उन्होंने, जो नेचुरल जैगरी रहता है उसी का यूज़ किया है। उसी के कारण हुआ ये कि पहले जो वाइन बनती थी उसका ABV कंटेंट था 8-11, बट ड्यू टू जैगरी ही इज सक्सेसफुल टू रीच अराउंड 21 ABV। वाइन बहुत ही अच्छा है और मैंने अराउंड 250 ml कंज्यूम किया है। एंड ABV लेवल के बारे में क्या, हाँ वही उसमें ये करेंगे कि ABV लेवल का भी अंतर क्या है, आपको खुद को कैसा लगा ये लेवल? पहले महसूस होने के लिए कि मैंने वाइन पी है कम से कम अराउंड 350-450 ml पीनी पड़ती थी, लेकिन इस बार 250 ml ने ही काम कर दिया है। दैट इज़ द मैजिक ऑफ ABV।